गुड इवनिंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्टडी विद बिनोशर। एग्रीकल्चर स्टडी विद बिनोशर चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टोमेटो मींस टमाटर। टमाटर से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाते रहे, ऐसे सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, आपसे आग्रह है, यदि आप हमारे दर्शक हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि चैनल से संबंधित कोई आपका सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, आपके सुझाव पर विचार किया जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टोमेटो मींस टमाटर। टोमेटो मींस टमाटर, अगर हम इसके बॉटनिकली बात करें, बॉटनिकल नेम है लाइको पर्सिकम, लाइको पर्सिकम एस्कुलेंटम। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम इसका वानस्पतिक नाम है। फैमिली की बात करें, फैमिली इसकी सोलेनेसी है। सोलेनेसी फैमिली का ये सदस्य है। गुणसूत्रों की बात करें, क्रोमोजोम, तो इसमें क्रोमोजोम 2N बराबर 24 होते हैं। अगर हम बात करें इसका ओरिजिन प्लेस मींस जन्म स्थान, तो टमाटर का जन्म स्थान मैक्सिको इसका जन्म स्थान है, ओरिजिन प्लेस है। हम इसके कंपोजिशन पर अगर चर्चा करें, 100 ग्राम्स में कंपोजिशन की अगर बात करें तो 93.1% मॉइस्चर होगा, 93.1 ग्राम, और प्रोटीन जो इसमें पाई जाएगी 1.99 ग्राम। इसके बाद कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम 20 मिलीग्राम होगी, और हम विटामिन ए की बात करें तो ये 320 IU, IU की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनिट, ये होगी। अब हम अगर बात करें टोमेटो आल्सो कॉल्ड पुअर मैन्स ऑरेंज मीन्स इसे गरीबों का संतरा कहते हैं, बॉल्फ ऑफ एप्पल भी कहते हैं। अगर हम फ्रूट्स की बात करें, इसका बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है, फ्रूट इसका बेरी है, बेरी फ्रूट्स है। एक बार फिर से हम देखें, मीन्स इसका वानस्पतिक नाम लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, फैमिली सोलेनेसी कुल का ये सदस्य है। गुणसूत्रों की संख्या 2N बराबर 24 है। ओरिजिन प्लेस जन्म स्थान मैक्सिको है। कंपोजिशन की बात करें, एज पर 100 ग्राम टोमेटो के कंपोजिशन में बात करें तो 93.1 ग्राम्स मॉइस्चर होगा, प्रोटीन 1.99 ग्राम्स होगी, कैल्शियम 20 मिलीग्राम्स होगी, और विटामिन ए 320 IU होगी। टोमेटो आल्सो कॉल्ड
पुअर मैंस ऑरेंज बॉल्फ ऑफ एप्पल और बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है। द टाइप ऑफ फ्रूट्स, टोमेटो इज टाइप ऑफ फ्रूट्स, तो बेरी है। सीड की अगर हम बात करें, सीड इसका डाइकोटिलीडंस होता है। डाइकोटिलीडंस मीन्स इसका जो बीज होता है दो बीज पत्री होता है। और अगर हम बात करें इसका जो फ्रूट्स है, क्लस्टर ऑफ फ्लावर ट्रस, इसका जो क्लस्टर है फ्लावर का वो ट्रस। और इडेबल पार्ट्स की बात करें, इडेबल इसका पार्ट्स है वो है पल्प, पल्प इसका इडेबल पार्ट्स है। और अगर हम बात करें इसमें रेड कलर, रेड कलर, तो ये लाइकोपिन के कारण होता है। टमाटर में येलो कलर की बात करें, येलो कलर कैरोटीनॉइड के कारण होता है। हम इस पे क्लाइमेट की बात करें तो ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स का प्लांट्स है। प्लांट्स की बात करें तो ये C3 प्लांट्स है और डे न्यूट्रल प्लांट्स है, मीन्स प्रकाश निष्प्रभावी पौधा है, मीन्स प्रकाश का कोई इस पर फर्क नहीं पड़ता है ये। इसके बाद हम टोमेटो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। और टोमेटो ससेप्टिबल टू फ्रॉस्ट, टू फ्रॉस्ट मीन्स, एक बार फिर से हम बात करें, इसका सीड जो होता है वो डाइकोटिलीडंस होता है, क्लस्टर ऑफ फ्लावर ट्रस है, इडेबल पार्ट्स पल्प है, रेड कलर लाइकोपिन के कारण होता है और येलो कलर कैरोटीनॉइड्स के कारण होता है। और क्लाइमेट की बात करें तो ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट का प्लांट्स है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट C3 प्लांट्स है। डे न्यूट्रल मीन्स प्रकाश का निष्प्रभावी पौधा है। सेल्फ पॉलिनेशन होता है। टोमेटो ससेप्टेबल टू फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट के प्रति ससेप्टेबल है। अगर बात करें, बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है एसिड, टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है टोमेटो में। ये बहुत ही ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है, टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ये कोहरे के प्रति ससेप्टेबल है, स्वपरागित फसल है, प्रकाश निष्प्रभावी पौधा है, C3 प्लांट्स है और ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स का प्लांट्स है। लाल कलर लाइकोपिन के कारण होता है, पीला कलर कैरोटीनॉइड्स के, खाने योग्य भाग पल्प है और इसका जो पुष्प गुच्छ है ट्रस कहलाता है, जो इसका बीज है डाइकोटिलीडंस होता है। हम प्रोडक्शन की बात करें, इन वर्ल्ड लेवल पर तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट टोमेटो प्रोड्यूसर कंट्री चाइना है, प्रथम नंबर पर चाइना है। इंडिया की बात करें तो इंडिया सेकंड पोजीशन है,
टोमेटो के उत्पादन में। हम इंडिया की बात करें, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट की बात करें, प्रोड्यूसर स्टेट वो है उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। अब हम आइसोलेशन डिस्टेंस की बात करें, आइसोलेशन डिस्टेंस ये फाउंडेशन सीड के लिए, फाउंडेशन सीड के लिए जो रखी गई है वो रखी गई है 50 मीटर, और सर्टिफाइड सीड के लिए रखी गई है, सर्टिफाइड सीड के लिए रखी गई है 25 मीटर। सीड रेट की बात करें, सीड रेट तो 350 से 400 ग्राम, कहीं कहीं 400 से 500 ग्राम भी दिया रहता है, लेकिन ऑथेंटिकली 350 से 400 ग्राम सही है, लेकिन दो जो अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया रहता है, तो जो 400 की रेंज वाला होगा वो होगा सही। मीन्स 350 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर। हाइब्रिड सीड की बात करें, हाइब्रिड बीज की जो बीज दर होगी वो 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर होगी। ये हाइब्रिड सीड की बात हो रही है। और अगर हम बात करें 1 ग्राम सीड कंटेंट, नंबर ऑफ सीड मींस 1 ग्राम सीड में टोमेटो के, टमाटर के कितने सीड होते हैं, वन ग्राम सीड की बात करें, सॉरी वन ग्राम सीड की बात करें, 1 ग्राम सीड कंटेंट, नंबर ऑफ सीड्स मीन्स 1 ग्राम में कितने बीज होते हैं, तो लगभग 300 बीज 1 ग्राम बीज में होते हैं। हम बात करें हाई फ्रूट सेटिंग के लिए, PCPA का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें इसका, इसका जो स्पेसिंग रखते हैं तो वो 60 सेंटीमीटर रो टू रो, 60 सेंटीमीटर हो गई, और 30 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट रखते हैं। सॉइल की बात करें तो लाइट लोमी सॉइल बेस्ड है। पीएच की बात करें, सॉइल पीएच 6 से 7 पीएच जो होता है वो अच्छा माना गया है, ये सॉइल पीएच हुआ। इसमें कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होते हैं टोमेटो में, जैसे बात करें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में आ जाता है, जैसे एक VER और एक फ्रूट क्रैकिंग। इसमें क्या होता है, फल जो होते हैं वो फटने लगते हैं, तो ये फ्रूट क्रैकिंग होती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ बोरान। जो फल फटने लगते हैं वो बोरान की कमी के कारण फल फटने लगते हैं। और BER मींस ब्लोशम इंड
रॉट, इसकी फुल फॉर्म बी आर की होती है, ब्लॉसम एंड रॉट। ये होती है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, ये कैल्शियम की कमी के कारण बी ई आर डिसऑर्डर होता है। अगर हम बात करें इसमें फ्रूट बोरर, फ्रूट बोरर को इंसेक्ट लगता है, इसको रोकने के लिए ट्रैप क्रॉप के रूप में जो यूज करते हैं, ट्रैप क्रॉप के रूप में हम मैरीगोल्ड को यूज करते हैं। मींस फ्रूट बोरर टमाटर पर ना लगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, बीच बीच में गेंदे के पौधे लगा देते हैं, तो जो मैरीगोल्ड के जो जो इसमें फ्रूट बोरर होते हैं वो मैरीगोल्ड के पुष्प पर चले जाते हैं, मींस जो गेंदा होता है गेंदे के पुष्प पर चले जाते हैं, इसके कारण वो उस पर कम नुकसान करते हैं टमाटर पे। अगर हम बात करें टोमेटो कम्स इंडिया बाई पुर्तगीज, मीन्स पुर्तगालियों के द्वारा भारत को, पुर्तगाली भारत में टमाटर लेकर आए थे, ये भारत में टमाटर जो आया था वो पुर्तगालियों के द्वारा आया था। टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर तो जर्मिनेशन के लिए टोमेटो के जर्मिनेशन के लिए 20 से 25 सेंटीग्रेड होना चाहिए, फ्रूट सेटिंग के लिए, फ्रूट सेटिंग के लिए 15 से 20 सेंटीग्रेड होना चाहिए, और पॉलिनेशन के लिए 21 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। बिलो अगर हम बात करें बिलो 10 सेंटीग्रेड नो रेड कलर डेवलप, अगर तापमान 10 सेंटीग्रेड से नीचे चला जाएगा तो जो टमाटर होगा वो पकेगा नहीं, उसमें मीन्स रेड कलर डेवलप नहीं होगा। हम नर्सरी की बात करें तो नर्सरी 100 से 125 वर्ग मीटर नर्सरी सफिशेंट रहती है ट्रांसप्लांट करने के लिए। अब इसमें हम सोइंग टाइम की बात करें तो इसमें विंटर की बात करें, विंटर का हम जुलाई अगस्त में नर्सरी डालते हैं और अगस्त सितंबर में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और समर की बात करें, समर वाली दिसंबर में हम नर्सरी डालते हैं और जनवरी में इसकी ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ये इसका सोइंग टाइम हुआ, मीन्स हम नर्सरी अगर विंटर में डालेंगे तो उसकी जो विंटर सीजन के लिए अगर हम टमाटर बो रहे हैं तो उसकी नर्सरी जुलाई अगस्त में डालेंगे, अगर जुलाई में डालेंगे तो अगस्त में ट्रांसप्लांट कर देंगे, अगस्त में डालेंगे तो सितंबर में कर देंगे, दिसंबर में, मीन्स लगभग एक महीने की नर्सरी जो होती है वो ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हो जाती है। तो दिसंबर में अगर समर की बात करें, समर वाला टोमेटो की बात करें तो इसका दिसंबर में नर्सरी डालेंगे और जनवरी में ट्रांसप्लांट कर देंगे
और वो समर सीजन में आराम से गर्मियों में फल देने लगेगा। इसके बाद लीफ कर्ल वायरस भी लगता है, इसमें पूछा जाता है लीफ कर्ल वायरस ट्रांसमिटेड बाई वाइट फ्लाई। जो लीफ कर्ल वायरस होता है इसमें ये वाइट फ्लाई के द्वारा ट्रांसमिटेड होता है, मींस वाइट फ्लाई के द्वारा ट्रांसमिट हो जाता है, फैल जाता है लीफ कर्ल वायरस। ये इसकी बाहक होती है, वाइट फ्लाई मींस सफ़ेद मक्खी इसकी बाहक होती है। अब हम इसकी कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, इम्पोर्टेंट वेराइटीज हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो इसमें डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट, हाइब्रिड और किचन गार्डन, बेस्ट सुटेबल फॉर ड्राउट कंडीशन, रेजिस्टेंट फॉर नीमेटोड एंड बैक्टीरियल विल्ट और नीमेटोड रेजिस्टेंट, ये अलग अलग कैटेगरी में बांटी हैं। डिटर्मिनेट मीन्स जिसके सभी गांठों पर, जितनी भी इसकी गांठें होती हैं सभी पर फल देती है, वो डिटर्मिनेट वेराइटी है। इनडिटर्मिनेट मीन्स कुछ मतलब गांठों के इंटरवल पर इस पर फल आते हैं, वो इनडिटर्मिनेट में आती हैं। अगर हम बात करें डिटर्मिनेट वेराइटियाँ, तो डिटर्मिनेट में आती हैं पंजाब छुआरा, पूषा गौरव, पंजाब केसरी, पूषा अर्ली ड्वार्फ। पूषा अर्ली ड्वार्फ ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, पूछी गई है कई बार एग्जामों में। पूषा इंडिटर्मिनेट की बात करें तो पूषा रूबी सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली वैरायटी है। पूषा रूबी किसकी किस्म है, तो टोमेटो की। पूषा रूबी, पंत बहार, पंत टी वन, पंत टी थ्री। हाइब्रिड में अगर हम बात करें तो हिसार लालिमा, हिसार ललित, पूषा शीतल। पूषा शीतल होती है, ये समर विंटर सीजन के लिए है, ये विंटर सीजन के लिए बेस्ट होती है पूषा शीतल। पूषा रूबी ये हाइब्रिड में आती है। अगर हम बात करें किचन गार्डनिंग के लिए तो ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जामों में, वेरी इम्पोर्टेंट है किचन गार्डन्स के लिए। अंगूर लता किसकी वैरायटी है, तो वो टोमेटो की, टमाटर की प्रजाति है। हम बात करें बेस्ट सुटेबल फॉर ड्राउट कंडीशन, मींस ड्राउट कंडीशन के लिए सबसे अच्छी जो वैरायटी है वो है अर्का विकास। यहाँ पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है, वहाँ आप अर्का विकास को उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। रेजिस्टेंट टू नीमेटोड एंड बैक्टीरियल विल्ट, एक नीमेटोड इसमें लगता है, उस नीमेटोड को और एक बैक्टीरियल विल्ट दोनों से लड़ने की इस वैरायटी में क्षमता है, वो है अर्का वरदान। अर्का वरदान वैरायटी ये नीमेटोड और बैक्टीरियल विल्ट दोनों के प्रति रेजिस्टेंस है। इसे आप ऐसी जगह पर जहाँ नीमेटोड और बैक्टीरिया ज़्यादा लगते हैं उन क्षेत्रों में ये वैरायटी उगाई जा सकती है, इसमें ये बीमारियाँ नहीं लगेंगी, बैक्टीरियल बेल्ट और नीमेटोड नहीं लगेगा। एक नीमेटोड रेजिस्टेंट वैरायटी है SL120। इसके बाद हम इसके उत्पादन पर अगर हम बात करें, यील्ड पर, टमाटर की यील्ड, तो नॉर्मली जो टमाटर की यील्ड होती है वो 300 से 350 कुंतल प्रति हेक्टेयर होती है। हाइब्रिड की बात करें, हाइब्रिड 500 से 600 कुंतल प्रति हेक्टेयर हाइब्रिड में उत्पादन होता है। मित्रों, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे टोमेटो से संबंधित, सारे प्रश्नों पर हमने चर्चा की, प्रश्नों को जाना। हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, 84% ऐसे फ्रेंड्स हैं जो देख रहे हैं चैनल को, लेकिन उन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आपसे आग्रह है, जो भी हमारे चैनल को देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सपोर्ट करें। निश्चित तौर पर हम प्रयास करते हैं, कई बुकों से कंटेंट कलेक्ट करते हैं, अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें, ये हमारा प्रयास रहता है और प्रयास निरंतर जारी रहेगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।